बहुत बहुत ज्यादा ग्रैंड होगा, अनबिलीवेबली ग्रैंड, मतलब शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़े बजट बनाया जा सकता है. और मेरा भाई मुझे कुछ बहुत यूनिक चीज़ें गिफ्ट करने वाला है जो शायद ही कोई किसी को दे सकता है लाइफ में. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है. तो आप क्या चाहते, मतलब क्या लगता है क्या आपको सरप्राइज प्लानिंग आपके लिए हो सकता है फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से मतलब मैं जब से उठी हूँ इनफैक्ट सुबह से भाई ने बहुत कुछ दिया है, लाइक डायमंड ब्रेसलेट, एक स्टार मेरे नाम पे करवा दिया, और अभी फैक्ट्री में पार्टी चल रही है. सो आई थिंक दिन में बहुत कुछ होने वाला है. घर का क्या कुछ माहौल है? घर पर फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल ही रहता है अक्सर, बट आज भी मेरा सब मेरे लिए बहुत खुश है, पर मैं थोड़ी सी डिटैच हूँ. क्या कुछ लगता है आपको कुछ धमाका होने वाला है सिंडिकेट रोल की तरफ से? होगा 100% क्योंकि आई थिंक उनके बिना तो स्पाइस नहीं आता, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है. थैंक्स. हाय गाइस, मेरी बहन का बर्थडे, तो पहले एपिसोड में आपको इसका बर्थडे देखने को मिलेगा, तो जरूर देखें हम कैसे मनाते हैं हमारी बहन का. तो हम सब ने एक परफॉर्मेंस तैयार की है और लेट्स सी अंदर जाके देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं. मुझे खुद नहीं पता है अभी, एंड बट इट इज गोइंग टू बी नाइस. सर सर आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं आपके बर्थडे को लेकर? आप इनके कपड़ों से देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं. और क्या मैं इतना महंगा लिबास पहना है, मैंने आपको खुद समझ जाना चाहिए मैं कितना एक्साइटेड हूं. तो खास तोहफा क्या देने वाले हैं नव्या को आप? नव्या को खास तोहफा पोर्शे और फरारी. क्या दिया है मैंने? भूल गया. मैंने गिफ्ट बहुत दिए उसको, जब से मैंने शूट स्टार्ट किया है कम से कम 2-4 गिफ्ट दे चुका हूं उसको. यार 4 करोड़ की गाड़ी थी आई गेस. हां मैंने उसको 4 करोड़ की गाड़ी दी है और बहुत पैसा इनके पास इनको याद नहीं. एक सस्ता सा तारा बुक कर दिया मैंने आसमान में और ब्रेसलेट दिया और काफी चीजें जो दी है मैंने. और मैंने सुना ही नहीं है अभी तक कैसा है. अभी तो वहां जाके पता चलेगा क्या परफॉर्म करना है, क्या करना है क्या नहीं. तो सॉन्ग नहीं सुना है, वो सरप्राइज है मेरे लिए. उसको बताओ, हो सकता है कृष्णा को बताओ. आपका सेकंड या थर्ड दिन है शूट का? यार हां थर्ड डे बट इंक्लूडिंग द प्रोमो इट्स अ फिफ्थ डे सिक्स्थ डे. कैसा है टोटल एक्सपीरियंस आपका? कैसा रहा टोटल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है. ललित जी शूट कर रहे हैं तो ख़राब कैसे हो सकता है? वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर, मैंने पहले भी बोला है. सो आई एम टू लविंग लाइक वर्किंग विद हिम, मेरे भाई जैसे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. सर आज नव्या का बर्थडे शूट सीन का शूट हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ कैसा माहौल बना हुआ है? माहौल बना हुआ है सुबह से तो शॉट्स ही हो रहे हैं. अभी सॉन्ग जो आएगा उसमें देखते हैं क्या अच्छा करते हैं ललित जी, तो दिखाते हैं कारीगरी. सर लेकिन उसमें आपको हिंट तो मतलब आइडिया होगा, ग्रुप डांस है, कपल डांस है? नहीं ये आई थिंक ग्रुप डांस है, उसमें मैं डांस नहीं कर रहा हूँ. Obviously, मेरा कैरेक्टर नहीं है डांस वाला. I'm so खड़ूस टाइप तो. थैंक यू सर. ओके थैंक यू सो मच. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और मेरा रोल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. दंगल का शो है और ऑडियंस वांट्स टू सी समथिंग वेरी वेरी बिंदास एंड समथिंग रियली डायनामिक. तो जो मेरा कैरेक्टर जैसे दर्शाया गया है वेरी सॉ वेरी कनिंग वेरी कैलकुलेटिव, पर उसके भतीजे की इतनी बनती नहीं है. एंड यही जो पूरा ड्रामा है कि व्हाट ही डज टू हिज भतीजा और कैसे उसका भतीजा कैसे हमेशा बच जाता है, एंड देन द स्टोरी फॉरवर्ड आई कांट टेल यू. तो ये ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, किस तरह का ये कैरेक्टर है आपका? यू कुड से ग्रे शेड, ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो है नहीं. सीरियल का प्रोमो शूट हो चुका है लेकिन अब सीन में नेक्स्ट शूटिंग स्टेज की हो रही है. अभी तो फिलहाल बर्थडे की शूटिंग हो रही है एंड उसमें ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जो स्टोरी को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है. सो आई कांट टेल यू मच मोर देन दैट कि क्या होता है इस सीन में, बट समथिंग वेरी ड्रामेटिक गोना हैपन इन दिस सीन. तो आगे क्या सरप्राइज है आपके कैरेक्टर के हिसाब से, क्या सरप्राइज होने वाला है, आप क्या सरप्राइज देंगे दर्शकों को? वेल जैसा ये कैरेक्टर मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक इज गोइंग टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेज, फुल ऑफ डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेस, बहुत सारे ऐसे आपको सीन्स देखने मिलेंगे जो रेगुलर आप टीवी शो में देखते नहीं है, लाइक यू नो द सेम ओल्ड बोरिंग स्टफ. तो आई थिंक द काइंड ऑफ सीन्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हिच आर प्लान्ड आर वेरी वेरी एक्साइटिंग. वेल मैं इस शो में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बट एज ऑफ नाउ जो मेरी एंट्री है दिस इज माई इंट्रोडक्शन शॉट जो आपने अभी देखा. मैं एक एक्स सेलिब्रिटी भी हूँ जो फिल्में कर चुकी है लेकिन फिर मेरे फ्लॉप होने की वजह से उसने अपना करियर छोड़कर किसी एक अमीर आदमी से शादी कर ली क्योंकि वो चाहती थी कि जो उसकी ग्लैमरस लाइफ है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे.
और उसको ऐसा अभी भी लगता है कि वो बहुत फेमस है और लोग उसके लिए आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और वो फिर से रीलॉन्च हो सकती है. मतलब उसको लगता है कि मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं फिर से कोई नई फिल्म कर सकती हूँ. एंड मेरा ज़्यादा टशन शगुन के साथ रहेगा जो हमारे सीरियल की लीड है, और क्योंकि वो भी उसको मीडिया किसी वजह से बहुत अटेंशन देती है, स्टोरी में कुछ ऐसा है जो मैं पसंद नहीं करती, और फिर सो ऑन चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, तो मेरा टशन उनके साथ रहेगा. वेल हमारा इंट्रोडक्शन है, और मैं क्योंकि एक एक्स बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो ओवर द टॉप हूँ. मेरा फैन मैन मेरे साथ चलता है, मुझे गर्मी बहुत लगती है. ये मेरे हस्बैंड हैं. बताइए मेरी ज़िंदगी की चाबी जो है वो यही है, इनके आगे पीछे ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है. तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इनके कहे पर चलता हूँ, और बाकी आप देख ही पाएंगे कुछ दिनों में. बेसिकली जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव है, किस तरह का? सो आई एम प्लेइंग द नेगेटिव इन द शो, बट विच विल नॉट कम अक्रॉस एज नेगेटिव. अभी एकदम से नहीं पता चलेगा. अभी तो ये है कि ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग है, वॉनबी है, खूबसूरत है, एक्स हीरोइन है, चुलबुली है, और एक ऐसी उम्र के दौर पर है जहाँ फिल्में मिलनी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रही है कि वो फिर से लॉन्च हो जाए, और इसी के चलते वो कैसे नेगेटिव टर्न होगी, और फिर जैसे स्टोरी लिखेंगे वैसे हम परफॉर्म करेंगे. तो शो पर शुरुआत ही हो चुका है अभी, तो शुरुआत नहीं, आपको इतनी लार्जर लाइफ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपका कितना ज़्यादा वैल्यू होगा आपके कैरेक्टर के शो के साथ? बिकॉज आई एम प्लेइंग वन ऑफ द नेगेटिव्स इन द शो. वी आर टू नेगेटिव लीड्स इन द शो पैरेलल टू चेतन हंसराज, सो ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई आई हैव टेकन अप द शो. नहीं तो मैं नहीं लेती, एंड मुझे मज़ा आ रहा है. मेरा कैरेक्टर यही है कि इनके गुस्से को शांत रखना है, घर में शांति रखनी है, प्यार बनाकर रखना है, और ये पॉजिटिव कैरेक्टर है और सबको साथ लेकर चलता है, पर कहीं ना कहीं बीवी के कहने पर भी चलना पड़ता है. तो वो आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि शांति रहती है कि नहीं रहती. थैंक यू.